देश भर में कोरोना महामारी के बीच किसान आंदोलन को एक बार फिर सुलगाने की तैयारी है। कृषि कानून के विरोध में धरना दे रहे किसान 26 जनवरी के बाद से ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार भी चाहती थी कि किसान अपने आप आंदोलन खत्म कर लें, लेकिन विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहती हैं। लिहाजा मोदी सरकार को अशांत करने के लिए कांग्रेस समेत 13 पार्टियों ने किसानों को भड़काना शुरू कर दिया है और किसान प्रदर्शनकारियों के साथ हमदर्दी जतानी शुरू कर दी है। दरअसल मोदी विरोधी पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के उस फैसले का समर्थन किया है जिसमें 26 मई को देश भर में प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। जानकारी के मुताबिक 13 विपक्षी दलों की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में एक ताज़ा बयान भी जारी किया गया है। इसमें 12 मई को लिखे गए उस पत्र का भी जिक्र है जिसमें नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई थी। तब विपक्षी दलों की ओर से कहा गया था कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए, इससे लाखों किसानों को महामारी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की है, लेकिन सरकार किसानों से अभी बातचीत करने के मूड में नहीं है। वहीं विपक्ष को लग रहा है कि मोदी सरकार कोरोना महामारी पर पहले से ही घिरी हुई है और इसी बीच किसान आंदोलन को हवा देने से मोदी सरकार और कमजोर हो सकती है। इसलिए कांग्रेस समेत ये सभी दल कोरोना महामारी के बीच किसानों के प्रदर्शन और काला दिवस के समर्थन में आ गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर इस प्रदर्शन से किसानों के बीच कोरोना महामारी फैली तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।